हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम आज पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसके अंदर हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे सेक्शन 37 और सेक्शन 42 के बारे में। हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन आज हमारा फोकस होगा सिर्फ सेक्शन 37 में और सेक्शन 42 के अंदर। और इससे पहले हमने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बाकी वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन आता है हमारे पास सेक्शन 37, जो कि बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज के बारे में। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 37, जो कि किसकी बात करेगा? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज हैं उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी उनके पार्ट पर, उसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 37 के अंदर। अब डेफिनेशन क्या कहती है उसको भी देख लेते हैं। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होंगी, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टियाज होंगी, वो क्या करेंगी? या तो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देगी, मस्ट आइदर परफॉर्म, या उस चीज को परफॉर्म करने के लिए ऑफर देंगी। और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिप्रेजेंटेटिव प्रोमिसेस, मतलब कोई भी ऐसी पार्टीज हैं, या तो वो उस प्रोमिस को परफॉर्म कर दें, या उस प्रोमिस को परफॉर्म करने का ऑफर दे दें कि मैं ऐसा काम करने वाला हूं। और वो कब तक? अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और वो तब तक प्रॉमिस कर सकता है जब तक कि वो इस लॉ के अंतर्गत ठीक हो। जब तक उसका एक्सक्यूज इस लॉ के अंतर्गत मिले, कौन सा लॉ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिले, और एनी अदर लॉ, और किसी भी लॉ के अंदर अगर उस चीज को एक्सक्यूज मिलती है, तो हम उसका एक्सक्यूज ले सकते हैं और उससे हम प्रॉमिस ले सकते हैं कि तू ये काम करेगा। अब इसके अंदर हम बात करें, प्रॉमिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर। अब कुछ ऐसे काम होते हैं जो प्रोमिसर अपने आप नहीं कर पाता, लेकिन उसके बिहाफ पर उसका रिप्रेजेंटेटिव कर देता है। अगर हमने एक बार वादा कर दिया, तो उस प्रोमिसर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रोमिसर के बिहाफ पर उस काम को करेगा। प्रोमिसर बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिस। अगर किसी प्रोमिसर ने कोई प्रोमिस किया था कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन उस काम को करने से पहले वो नमस्ते बोल गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा? जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उस प्रोमिसर के बिहाफ पर उस प्रोमिस को पूरा करेंगे। डेथ ऑफ द सच प्रोमिसर बिफोर द परफॉर्मेंस। अब जो डेथ होनी चाहिए ये उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपियर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर कोई गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी चीज है। पहली चीज कि वो जो प्रोमिसर है उसकी डेथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले होनी चाहिए, और दूसरी कोई भी कॉन्ट्रारी इंटेंशन इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज हमें समझ में आती है। अब हम देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशंस। अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन ए की, ए प्रोमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन सर्टेन डे ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1000। ए डाइज बिफोर दैट डे, ए रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी एंड बी इज बाउंड टू पे ₹1000 टू ए रिप्रेजेंटेटिव। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ए भाई साहब है, ये एक सेलर है। बी भाई साहब है, ये एक बायर है। अब ये क्या बेचते हैं? ये कोई मस्टर्ड ऑयल बेचते हैं, सपोज मस्टर्ड ऑयल। अब ए भाई साहब ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1000 लीटर मस्टर्ड ऑयल, लेट्स से 10,000 में बेचूंगा। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को
1,000 लीटर मस्टर्ड ऑयल 10,000 में बेचूंगा। और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया, ओके मैं तुझसे खरीदूंगा। यहां तक की बात हमें हम पहले पढ़ के आए वो सब बात है, लेकिन अब क्या होता है जब वो सामान देने की बारी आती है या जब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने की बारी आती है, उस केस में क्या होता है, एने बोला कि मैं तेरे को 1,000 लीटर मस्टर्ड ऑयल दूंगा 10,000 रुपए में आज से 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद। अब क्या होता है कि ये जब बना था कॉन्ट्रैक्ट, इसके बीच में विद इन 15 डेज महाराज ए टपक गए, इनकी डेथ हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि जब ए की डेथ हो गई तो क्या ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा या रिमेन इन फोर्स रहेगा या वैलिड रहेगा, ये यहां पर क्वेश्चन बनता है। अगर हम देखें अब यहां पर हालांकि ए मर गया है, ए टपक गया है, लेकिन यहां पर जो गुड्स हैं वो इस नेचर के हैं कि वो उसकी गैर मौजूदगी में भी दिए जा सकते हैं, वो उसकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर बेस नहीं है। तो यहां पर ए के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे कि उसका बेटा हो गया या उसकी वाइफ हो गई या उसके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, वो बी को 1,000 लीटर मस्टर्ड ऑयल सप्लाई करने के लिए लायबल है और बी ए के रिप्रेजेंटेटिव को 10,000 रुपए देने के लिए लायबल है, क्यों, इन अगेंस्ट द 1,000 लीटर मस्टर्ड ऑयल। यहां तक बात क्लियर है? मतलब यहां पे हमने ये देखा कि इस कंडीशन के अंदर अगर ए की डेथ भी हो गई तो भी क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा किससे, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। यहां तक की बात हमें क्लियर है? अब हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक और इलस्ट्रेशन पे गौर देखते हैं। अब यहां पर एक इलस्ट्रेशन है, ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी पिक्चर बनाऊंगा, तुम्हारी फोटो बनाऊंगा पेंटिंग से बाय अ सर्टेन डे, एक निश्चित दिन पर, सपोज आज से 15 दिन बाद 15 अगस्त को मैं तुम्हारी एक फोटो बनाऊंगा एट अ सर्टेन प्राइस। ए डाइज बिफोर द डे, ए महाराज 12 अगस्त को टपक गए। ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। एग्जाम्पल इसको भी ऐसे समझते हैं, ए एक वेल नोन पेंटर है, बी इसका कस्टमर है। अब यहां पर क्या हुआ, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तेरी पिक्चर बनाऊंगा 15 अगस्त को, तेरी फोटो पेंट करूंगा। अब इस केस में और उसके उसके लिए तू मेरे को 1 लाख रुपए पे करेगा। अब इस केस में क्या हुआ, मिस्टर ए जो वेल नोन पेंटर थे 10 अगस्त को नमस्ते बोल गए, इनकी डेथ हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ए के बिहाफ पर उसका बेटा पेंटिंग बना सकता है, क्या ए के बिहाफ पर उसकी वाइफ पेंटिंग बना सकती है, क्या ए के बिहाफ पर कोई और पेंटिंग बना सकता है। तो यहां पर आएगा क्वेश्चन, यहां पर आएगा हमारा आंसर नो। अब यहां पर नो क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये उसकी पर्सनल स्किल्स के बेसिस पे था। मतलब उसने जो 1 लाख रुपए देने का वादा किया था बी ने, वो तभी किया था जब उसकी पेंटिंग ए बनाएगा। ऐसे तो हजारों पेंटर हैं, लेकिन उसने किसकी पेंटिंग के लिए पैसा दिया था, ए की पेंटिंग के लिए दिया था, ए की पर्सनल स्किल्स के ऊपर दिया था। तो इस कंडीशन में अगर प्रोमिसर या वो पार्टी मर जाती है जो परफॉर्म करने वाली है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे और ये कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। अगर हम इनके एसेंशियल एलिमेंट्स देखें, पहला है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म, किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। इसके अंदर अब हम देखेंगे आदमी कौन कौन है। पहला आदमी खुद प्रोमिसर, मतलब जिसने अपना प्रॉमिस दिया है
वो खुद अपने प्रॉमिस को पूरा करे, वो अपने खुद कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो दैट इट वॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट द प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था ए पेंटर वाला, अब यहां पर जो बी ने उसको पैसे देने का वादा किया था वो क्यों किया था, कि भैया मेरी पेंटिंग ए ही बनाएगा। और ए क्यों बनाएगा, क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टाइज के ऊपर पैसा दे रहा था वो उसको बी, उसके स्किल्स के ऊपर पैसा दे रहा था बी ए को, ना कि उस पेंटिंग के ऊपर। अब जो स्किल्स ए के पास थी वो जरूरी नहीं है और किसी के पास भी हो, तो सिर्फ उस स्किल्स के ऊपर पैसे दिए जा रहे थे। तो यहां पर लिखा गया है इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो दैट इट वॉज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट द प्रोमिस शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ सच प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर। इसका मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दे दिया है, और ऐसे एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर के द्वारा ही परफॉर्म किए जाएंगे, नॉट बाय सम अदर पर्सन। दूसरे हम कैटेगरी देखें, परफॉर्म किसके द्वारा किया जाएगा, बाय एजेंट। वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय अ कंपीटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। मैंने सबसे पहला इलस्ट्रेशन आपके लिए लिया था कि ए उसने प्रॉमिस किया था बी को कि मैं तेरे को 1,000 लीटर मस्टर्ड ऑयल बेचूंगा 10,000 रुपये में। अब यहां पर अगर ए मर भी गया, ए अगर टपक भी गया, तो वो 10,000 रुपये लेकर ए के रिप्रेजेंटेटिव बी को मस्टर्ड ऑयल बेचेंगे। यहां पर ए की डेथ होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए की पर्सनल स्किल्स पर बेस्ड नहीं था, उसमें सिर्फ गुड्स का सामान था, उसमें सिर्फ गुड्स की बात हम कर रहे थे, तेल देंगे पैसे लेंगे या फिर पैसे देंगे तेल लेंगे, एक चीज दी एक चीज आई। लेकिन उससे ऊपर वाले में क्या था, वो पेंटिंग की जो स्किल्स थी वो सिर्फ ए के पास थी, ना कि उसके बेटे के पास। इन दोनों में आपको फर्क समझ में आया। तीसरा, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द पर्सनल स्किल्स ऑफ द और फाउंडेड इन पर्सनल कंसिडरेशन कम टू एन एंड ऑन। ये सेम सेम सी बातें आएंगी बार बार, लेकिन आपको आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है वो इसमें बताओ। तो वो उसी आदमी के द्वारा किया जाएगा जिससे प्रॉमिस लिया गया है। एज रिगार्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज आर बाउंड टू परफॉर्म इट अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपियर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बट देयर लाइबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे आर इनहेरिट फ्रॉम द डिसीज्ड। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये तो आप उस पेंटिंग वाले पे ले लो, और इस वाले में हम ऐसे समझ लेते हैं मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए के 4 बच्चे बी सी डी ई। अब मिस्टर ए ने अपनी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, मिस्टर ए ने अपनी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को इन चारों में बांट दिया। लेकिन मिस्टर ए की छाती पर एक लाइबिलिटी भी थी 6 करोड़ रुपए की, मतलब इन्होंने जो इनको एसेट दिए वो तो दिए 5 करोड़ के, और जो इनको जिम्मेदारी दे दी वो दे दी 6 करोड़ की। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो इनके एलआर है रिप्रेजेंटेटिव है, ये सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के लिए लायबल है जो इनको मिली है, 1.25 करोड़ के लिए लायबल है, मतलब कुल मिला के 5 करोड़ के लिए लायबल है किसी को पे करने के लिए भी, क्योंकि इनको जो सामान मिला है वही 5 करोड़ रुपए का मिला, तो ये 6 करोड़ रुपए कहाँ से दे देंगे। अब भले ही इनके जो ये लाइबिलिटी 10 करोड़ हो 20 करोड़ हो, लेकिन ये जो 4 इनके बच्चे हैं इनको कितना मिला, 1.25 करोड़, एग्रीगेट बोले तो 5 करोड़। तो ये सिर्फ 5 करोड़ तक के लायबल है, जो प्रॉपर्टी इनको विरासत में मिली है उसी तक के लायबल है, उससे ऊपर लायबल नहीं होंगे। यहां तक की बात क्लियर है। अगला हम देखते हैं थर्ड पर्सन, वेयर द प्रॉमिस एक्सेप्ट
परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम द थर्ड पर्सन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेन द प्रॉमिस। जो ऐसा प्रॉमिस है जो किसी तीसरे बंदे द्वारा एनफोर्स किया जाएगा, तो अगर वो एक बार एनफोर्स हो गया तो उसको दोबारा हम री एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर तीसरे आदमी ने एक बार उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो हम उसको दोबारा एनफोर्स करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि भाई तू ये दोबारा कर, एक बार कर लिया बस कर लिया, उसके बाद हम उसको नहीं बोल सकते। अगला हमारा पॉइंट है जॉइंट प्रोमिसर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये जॉइंट प्रोमिसर है। वेयर टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस देन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट All such person must jointly fulfill the promise. If any of them dies, legal representative must jointly with surviving promisor fulfill the promise. जहां पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाए जिसके अंदर मल्टीपल आदमी शामिल थे और उन्होंने मल्टीपल आदमी ने सेम प्रोमिस किए थे। अब मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। इन चारों ने प्रॉमिस किया पे करने को किसको, ई को। कितना अमाउंट, इक्वल अमाउंट में 4 लाख रुपए, 1 लाख ईच, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ए ने बोला कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा ई को, बी ने बोला मैं 1 लाख रुपए दूंगा बी को, सी ने बोला मैं भी दूंगा बी को 1 लाख रुपए, डी ने बोला मैं भी ई को 1 लाख रुपए दूंगा। मतलब कुल मिला के इन चारों के हिस्से से आ गया ई के पास 4 लाख रुपए। अब ड्यू डेट से पहले मिस्टर ए टपक गए, अब जो मिस्टर ए के पीछे जो छूटे हुए हैं उनकी, चाहे वाइफ हो, चाहे उनके सन हो, या चाहे उनके एलआर हो, वो इस 1 लाख को भरने के लिए लायबल होंगे ए के बिहाफ पर। यहां तक की ये बात क्लियर है, लेकिन यहां पर कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अब अगर मान लो कि ये सारे टपक गए, बी भी टपक गया, सी भी टपक गया, डी भी टपक गया, सारे के सारे मर गए, तो इस केस में क्या होगा? अब जो वसूली की जाएगी वो बी की वाइफ से, सन से या एलआर से, सी की वाइफ से, सन से, एलआर से, डी की वाइफ से, सन से, एलआर से, इन सब के एलआर से कंबाइन की जाएगी। मतलब ये है कि अगर ये सब टपक भी गए तो अपनी लाइबिलिटी से नहीं छूटेंगे। इनकी लाइबिलिटी कौन पूरी करेगा? इनके एलआर, अब चाहे उसमें वाइफ हो, चाहे उसमें सन हो, चाहे उसमें कोई भी हो। हमने बात पढ़ी थी, इफ एनी ऑफ देम डाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट ज्वाइन विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर फुलफिल प्रोमिस। यहां पर हमने बात की इनमें से कोई भी एक या कोई भी मर गया हो, मैंने बताया एक ही बात। अब हम बात करेंगे इफ ऑल ऑफ देम डाइज then the legal representative all of them must fulfill the promise jointly। सारे के सारे मर गए तो इनके सबके एलआर मिल करके उसको पे करेंगे, ई को कोई भागेगा नहीं। और ये बात हमें कहां लिखी है? सेक्शन 42 के अंदर। सो हमने आज डिस्कस किया सेक्शन 37 और सेक्शन 42, जिसमें हमने डिस्कस किया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और लाइबिलिटीज के बारे में, क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, किस किस की होंगी, कैसे कैसे होंगी। अब हम बात करेंगे इफेक्ट की, जो हमारा अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, जिसमें हम 38, 39, 40 अलॉन्ग विद हम उनके लाइबिलिटीज, उनके राइट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।